कसी आहे पब्लिक, आज की डेट ऑफ जर्नी 8 अप्रैल, सुबह के बज रहे हैं 10, सुबह अराउंड 10 o'clock, और लोकेशन मैं आपको बता दूं, दिस इज द क्वीन ऑफ द हिल स्टेशन जिसे कहा जाता है ऊटी। और आपको लोकेशन आप देखिए, जो हमने प्रॉपर्टी ली है ना, बिल्कुल आपके सामने देखो, टॉय ट्रेन अराइव होती हुई बिल्कुल ऊटी रेलवे स्टेशन के सामने जो हमने होटल लिया है, एकदम रीजनेबल रेट हमने पे किया, आप मान लीजिए कुछ 1800 rupees पर नाइट। तो होटल की डिटेल मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, इन केस अगर आप ये वाली प्रॉपर्टी चूज करना चाहें। स्टे वगैरह कैसा रहा? एक नंबर। होटल एकदम फर्स्ट क्लास, और यहाँ पर कैंटीन भी है, रेस्टोरेंट भी है, जिसमें आप बैठ के खाना पीना सब खा सकते हैं। और आज आपके सामने हम लेकर आए हैं नीलगिरी माउंटेन रेलवे का फर्स्ट क्लास की जर्नी, जिसकी शुरुआत हुई अराउंड 1908 में। पूरी आपको फर्स्ट क्लास जर्नी दिखाएंगे। स्टेशन का नाम क्या है? उदग मंडलम। और यहाँ से हम कहाँ चले? मेट्टुपलायम। पूरी जर्नी आपको दिखाएंगे। सो जर्नी ड्यूरेशन करीब कितना? ऑलमोस्ट आपको नीचे जाने के लिए, डाउनहिल जाने के लिए 4 घंटे लगते हैं, और अप हिल आने के लिए आपको 5 घंटे लगते हैं। तो शुरू करें। देखो यार, आपको स्टाइल बता दो, ऐसे नहीं, थोड़ी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले धमाकेदार व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डोलेश। मेरा नाम है सौम्या। और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। देखिए, सोचिए आपको ऐसी प्रॉपर्टी, आप गैलरी में आइए और आपको बाहर मिलेगा टॉय ट्रेन, पूरा रेलवे स्टेशन। अगर आपको ट्रेन पसंद है ना, दिस इज स्पेशली फॉर यू। चलिए अब होटल से चेकआउट करेंगे, अब सीधा आपको मिलेंगे रेलवे स्टेशन। जो हमारी ट्रेन है वो है कुछ 11:25 की, लगेज वगैरह सब लेके जाना है। बट आप यहाँ के ये नज़ारे देखिए, सच में इसको ऐसे ही नहीं कहा जाता, द क्वीन ऑफ हिल स्टेशन। तमिलनाडु का ये हो गया नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट। जुलाई 2005 में अगर आप देखोगे, इस साइट को अनाउंस किया गया था एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, NMR, यानी कि नीलगिरी माउंटेन रेलवे। करीब कितने किलोमीटर की जर्नी है टोटल? ऑलमोस्ट उदग मंडलम से मेट्टुपलायम तक का ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया, और करीब 12 से ज्यादा आपको ऑफिशियल स्टॉप मिलेंगे। जो ट्रेन आज हम करने वाले हैं, दैट इज 06172, ये स्पेशल ट्रेन है जो कि इस सीजन को देखते हुए बाय सदर्न रेलवे चलाई जा रही है। अच्छा। आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, बट आपको मैं पहले ही बता दूं, अगले 1 से 1.5 महीने की इट इज वेटिंग। तो अब अगर आपका लक हुआ, आप ऑनलाइन ट्राई कर सकते हो। हम ट्रैवल कर रहे हैं फर्स्ट क्लास में, है ना। और कर्व्स की बात करें, टनल्स की बात करें, ऑलमोस्ट ऑन द वे आपको 250 ब्रिजेस मिलते हैं, 16 के अराउंड कुछ टनल्स हैं जी, और आई थिंक 108 या 106 समथिंग टनल कर्व्स आते हैं। बट हमको तो कुछ कोई और ही कर्व्स पसंद है। कट नहीं। तो अभी पहले यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये ऊटी रेलवे स्टेशन आप देख सकते हो। देखो लोगों में एक्साइटमेंट आप देखिए, यहाँ पर फोटोग्राफी वगैरह सब चलती हुई। अभी पहले ट्रेन का अराइवल आपको दिखाएंगे, और फिर यहाँ से एक और जर्नी शुरू करेंगे। रूट क्या है, पूरा रूट वगैरह सब कुछ, आपको कॉस्टिंग वगैरह जो फर्स्ट क्लास की हमने पे की, सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। सेकंड क्लास के भी कोचेस लगे हुए हैं, इंटीरियर वगैरह वो सब आपको कोशिश करेंगे। टोटल आपको बता दूं, इंडियन रेलवेज में ऑफिशियली 5 टॉय ट्रेन्स हैं। अगर आपको जवाब पता है कौन कौन सी हैं, जरा कमेंट करके अपना जवाब बताइएगा। मैं आपको बता दूं, मैं 5 कर चुका हूं। मेरी सेकंड है। तुम्हारी सेकंड है? एक्चुअली ये वाली मैं पहले भी कर चुकी हूं, बट हां टोटल 2 हुई हैं। बट थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, इस ऊटी टॉय ट्रेन के बाद आपके सामने एक और टॉय ट्रेन बहुत जल्द आने वाली है। वीडियो को लाइक करते जाइएगा, और फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, जब भी आप रेलवे स्टेशन पर हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, प्लीज साफ सफाई बना के रखें। देखो ये हम मोटिव लेके चल रहे हैं कि जितना हो सके क्लीनिनेस के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें। थोड़ा सा देखो, ये सरप्राइजिंग है, 11:25 का डिपार्चर, और टाइम आपको दिखा दूँ, दिस इज देखो 11:15 बजे ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर लगाया जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ इम्प्रूवमेंट ज़रूर हो सकता है, ताकि पैसेंजर, आप भी समझ लो, पैसेंजर में एक्साइटमेंट रहता है। आप देख लीजिएगा YDM4 का ये हो गया डीजल लोको, यहाँ पर फाइनली ट्रेन का अराइवल हुआ। लोगों में आप देखिए एक्साइटमेंट। मेरे हिसाब से टोटल आपको मिलेंगे 5 कोचेस हैं, पूरा इंटीरियर वगैरह कॉस्टिंग वगैरह सब कुछ आपको बताया जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए कोच की, आप देख सकते हो स्पीड का मैक्सिमम लिमिट, आप देखोगे तो 30 किलोमीटर्स पर आर की मैक्सिमम उसकी स्पीड जा पाएगी। देखिएगा ये फर्स्ट क्लास कोच हो गया, इंटीरियर पहले भाई ट्रेन को लगने दीजिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये फर्स्ट क्लास हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, सेकंड सिटिंग का जो कोच रहता है ना, देखो पैसेंजर्स वगैरह आप पूरा देख सकते हो इस तरह, यहाँ आपको दिखा दूँ। और अभी यहाँ पर स्टेशन पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो बाहर का मैंने आपको ज़्यादा दिखाया नहीं है, बट लाइक ज़रूर कीजिएगा, मज़ा आ गया। एंड टॉय ट्रेन की जर्नी करके ना सच में मज़ा ही अलग आता है। देखो मेट्टुपलायम कन्नूर, और आप देख लो स्टेशन ये हो गया उदग मंडलम। ट्रेन को इतने शॉर्ट टाइम पर लगाया गया है कि पूछिए मत, बिल्कुल भी मानिए टाइम नहीं मिला है। इन्होंने दिखा दूँ, हाँ बाहर गेट्स क्लोज कर दिए, तो फिलहाल अपने को यहीं बैठना पड़ेगा। कोशिश यही करेंगे
यहाँ से जितना रिकॉर्ड हो पाए कोशिश यही करेंगे। हेलो, थैंक यू, हाउ आर यू? सब ठीक है ना? चलिए, थैंक यू। 06172, प्लीज़ एक बार फिर से बताओ, दिस इज स्पेशल ट्रेन, जो नॉर्मल चलती है वो ट्रेन अलग है, और आई गेस मेट्रोप्लान से यहाँ से शायद 2 बजे है, जो रेगुलर वाली चलती है। ऑनलाइन बुकिंग अगर आप कर सकते हो, कॉस्टिंग आपको आगे दिखाएंगे, पर चलिए कोई नहीं। यहाँ पर आप देखिए लोगों में एक्साइटमेंट। एक और ट्रेन है जो आप बाजू में उस तरह देख रहे हो, वो जाएगी केटी, वो इसके बाद वाली ट्रेन है। तो टोटल यहाँ से UAM से आपको कन्नूर के लिए रेगुलर ट्रेन्स मिलेंगी, बट आपको मेट्रोप्लान के लिए सिर्फ दिन में एक ही ट्रेन है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट, आपके लिए ढेर सारा इन्फोटेनमेंट। टूर कोशिश करेंगे आपको दिखा पाए, पब्लिक ऑलरेडी चढ़ चुकी है, इंटीरियर मेरे को लगता नहीं मैं आपको दिखा पाऊंगा, प्लस वॉशरूम ऑन बोर्ड है ना, इस बात का प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए गुड टू गो, चले। रूट पर कुछ ऐसी ट्रेन्स हैं जो ज़्यादातर स्टेशन्स पर रुकती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो बहुत लिमिटेड स्टेशन्स पर रुकती हैं। अब हम पहुँचे, हमारा पहला स्टॉप है लवडेल, ऑफिशियल स्टॉप नहीं है तो मैं नीचे उतरने वाला नहीं हूँ, बट लवडेल में आपको स्टेशन दिखा दूँ। जो हमारी वाली जो स्पेशल ट्रेन है, समर स्पेशल, इसका सिर्फ एक ही स्टॉप दिया गया है, दैट इज़ ऑल्सो कन्नूर। तो मुश्किल से सिर्फ 1 मिनट का वैसे यहाँ पर स्टॉप है। जो आप बाकी ट्रेन्स करोगे, आप स्टेशन्स देखिए, एक है CSMT, एक जगह है हावड़ा, और एक जगह आपको मिलेंगे ये वाले स्टेशन। आप देखिए, देखो यहाँ पर आप पूरा स्टाफ देखिए मेहनत करता हुआ। भाई सच में आज के टाइम में भी इस ट्रेन को चलाना, जो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 1908 में। आप देखिए यहाँ पर नीचे उतरेंगे, अरे खोल दिया लोगों के लिए, क्या बात है, चलो 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 नीचे चलो। सौम्या पांडी, सौम्या जी कैसी चल रही है जर्नी? एकदम फर्स्ट क्लास। बट यार ये सरप्राइजिंग है, मेरे को लगा था शायद नीचे उतरने को मिलेगा नहीं, बात करने को मिलेगा नहीं। एक्चुअली ट्रेन क्रॉस होनी है कोई। हाँ तो ये हो सकता है। अरे सौम्या जी क्या बात है, हमको लूप लाइन पे डाल दिया क्या? यस, लूप लाइन पे। टॉय ट्रेन को भी लूप लाइन पे डाल दिया पूरा। आप ट्रेन देख लीजिएगा, 5 कोचेज आपको मिले हैं, बट आपको फैक्ट बता दूं, रेलवेज ने कर दिया धोखा। जो नॉर्मल ट्रेन है, हाँ। अभी कॉस्टिंग बतानी नहीं है, जो नॉर्मल ट्रेन है उसकी जो कॉस्टिंग है ना, बिकॉज दिस मैं आपको बता रहा हूँ ना, समर स्पेशल है, इसकी डबल से भी ज़्यादा फेयर दिया है। कितना फेयर दिया वो आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा, बट आप स्टेशन देखिए, दिस इज नॉट फेयर, सीरियसली द फेयर इज नॉट फेयर। बहुत गंदा था यार, अच्छा था, ठीक है, अच्छा, वर्ड प्ले इज गुड, अच्छा लगा तो जरा लोग बता देंगे, हमको बता देंगे, आप मत बताइए, चलिए कमेंट करके बताइएगा। स्टेशन आप देखिएगा लवडेल, और आपसे कहा ना अभी तो क्या है, हम समर में आए, थोड़ा सा नीचे उतर के आपको और दिखा दूँ। यहाँ पर आप देखोगे ना, राइट टाइम अगर आप आओगे ना, जनवरी जब आपको बताया ना, दिसंबर जनवरी, देखो यहाँ की वाइब ही अलग है भाई साहब, मज़ा आ गया। ये हुई ना कुछ बात, और जो आप कोच देख रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग ईयर हो गया 2020, तो मैं कहूँगा ज़्यादा पुराना कोच नहीं है। आप देख लो यहाँ पर, आपको मैं ट्रेन नंबर और दिखा दूँ एक बार, जो मैं आपको बता रहा हूँ 06172 जो स्पेशल ट्रेन है। यार ये सच में सरप्राइजिंग है, ऑफिशियली जब मैं देख रहा था बताया गया था कि ट्रेन कहीं नहीं रुकेगी, खाली कन्नूर रुकेगी। अब देखो ये एक और स्टेशन आया, यहाँ पर आप देख लो ये आया है वेलिंगटन, यहाँ पर भी ट्रेन को रोक दिया गया है, मे बी सामने से शायद क्रॉसिंग होगी, क्या होगा देखा जाएगा। सबसे अच्छी बात है हर स्टेशन पर आपको देखो वॉशरूम वगैरह मिलेंगे, और प्लीज़ ध्यान रखिए पानी की बॉटल 1 लीटर 2 लीटर कुछ भी अलाउड नहीं है, है ना, हो चुकी है। प्लास्टिक की बॉटल ऊटी में अलाउड नहीं है, तो प्लीज़ अपनी बॉटल भी ज़रूर कैरी कीजिएगा। सब जितने भी पीछे के पैसेंजर हैं सब हमको देख रहे हैं क्या कर रहे हैं।
क्या कर रहे हैं बताइए। सब में हमारी लाइफ अलग ही चल रही है। क्या कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं? हम जिंदगी के मौज ले रहे हैं भाई साहब, जिंदगी के मौज ले रहे हैं, वो भी तमिलनाडु में। अभी तो देखिएगा तमिलनाडु पहुंचेंगे, फिर तमिलनाडु से पहुंचेंगे दिल्ली, और दिल्ली से घर तो छोड़ दिया हमने पूरा आपको यहाँ दिखा दूँ, पूरा आप ये देखिए, वाई भी अलग है, मतलब रूट तो मैं आपको जितना दिखाऊँ उतना कम। अब इन्होंने बोला वापस उतरिए, वापस फोटोग्राफी वगैरह कीजिए, या थोड़ी धूप ज़्यादा है, अब पब्लिक भी थक गई है, देखो कुछ लोग तो उतरे नहीं। धूप में कौन उतरे? लव डेल पे पूरी ट्रेन खाली हो गई थी, और यहाँ देखो ये वेलिंगटन है, ये आए वेलिंगटन, वेलिंगटन के बाद ही कन्नौर है। अरे एवरी डे फ्रिक्वेंसी है, बट यही है आपका लक होना चाहिए, बिकॉज ऑनलाइन बुकिंग है तो लोग पहले ही दो दो महीने पहले ही यहाँ पर बुकिंग करके बैठे हैं। अब कुछ की यहाँ से जो अभी ट्रेन है, कुछ जा रहे हैं कन्नूर, कन्नूर से फिर जाएंगे रिटर्न। अच्छा, ठीक है ना, ये भी आप कर सकते हो। देखो पूरी चॉइस आपकी है, सब डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में तो देख लीजिए ट्रेन वगैरह। बट यही है यार ऊटी टॉय ट्रेन का ना, सच में मज़ा ही अलग है। बिल्कुल राइट टाइम हम आए हैं कन्नौर, और स्पेशल ट्रेन है तो यहाँ पर इसको 30 मिनट्स का हॉल्ट दिया गया है। सबसे पहले आपको वहाँ दिखा दूँ, ये देखो टोटल 5 कोचेस थे, अब जो देख रहे हो आगे के 2 कोचेस उनको निकाल दिया गया है। डीजल लोको था, डीजल लोको भी हटा दिया गया है, अब बता रहे हैं स्टीम लोको लगाया जाएगा, और ये वाले 3 कोचेस ये जाएंगे मेट्टुपलायम तक। प्लीज़ ध्यान रखिए जब भी आप जर्नी कर रहे हैं, एक बार ऑनलाइन डिटेल्स वगैरह चेक कर लीजिएगा, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द टाइम यहाँ चेंज होता रहता है। सेकंड सेटिंग का कॉस्टिंग आपको बता दो, इट इज़ अराउंड 300 रुपीज़, और फर्स्ट क्लास का है कुछ अराउंड 600 रुपीज़। बट बिकॉज मैं स्पेशल में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आपको बता दूँ फर्स्ट क्लास का आप जो देख रहे हो इसका कितना दिया है, 1500 रुपीज़ पर पर्सन। सेकेंड सेटिंग का कितना है, अराउंड 1000 रुपीज़। इसलिए मैं आपसे कह रहा था रेलवे ने लंबा वाला काट दिया भाई साहब, 600 रुपये के, बिकॉज स्पेशल ट्रेन है सीधा 1500 रुपये। देखो यहाँ फिलहाल कुछ भी, अगर आप देखोगे अब आगे कोई भी लोको यहाँ कुछ भी नहीं है, और खाने पीने का ध्यान रखिए, कुछ भी आपको चाहिए आइदर साथ में कैरी कीजिए, या कन्नूर पे थोड़ा बहुत नाश्ता पानी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप कुछ भी मौके के हिसाब से जो आपको मिल जाए वो आप खा सकते हो। बट कॉस्टिंग सच में कुछ ज़्यादा ही है। अब यहाँ पर स्टीम लोको आने दीजिए, स्टीम लोको का आपको अराइवल दिखाएंगे, कपलिंग भी आपको दिखाएंगे, बट जर्नी में जो मज़ा आ रहा है सौम्या गई है कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करने, और सच में ऊटी की वाइब भी अलग है। कन्नूर पे आप बोटैनिकल गार्डन देख सकते हो, यहाँ पर आप एक फोर्ट भी देख सकते हो। टाइम लेकर आइए, कभी कोशिश करेंगे आगे इन फ्यूचर क्या क्या लोकल आप देख सकते हो वो भी आपको दिखा पाएँ। ये वाला फर्स्ट क्लास कोच हो गया, अब बस वो आने दीजिए, स्टीम लोको आने दीजिए, फिर आपको सब कुछ दिखाया जाए। यहाँ ये देख लीजिए हमारी कन्नूर पर ट्रेन खड़ी हुई है, फिलहाल यहाँ पर हमने हल्का कुछ खाने पीने के लिए लिया है। सब में क्या क्या है, ये वड़ा पाव, आलू वड़ा हो गया, ये दाल वड़ा, ये दाल वड़ा, मिर्ची वड़ा, इसकी कुछ शेप कुछ अजीब सी नहीं है, मिर्च की जैसी है। और ये देखो ये आपको बताया था ना प्लास्टिक की बॉटल, 1-2 लीटर की हम मिलती नहीं, सीधा पूरा 5 लीटर की बॉटल हम लेके चल रहे हैं। थोड़ा सा आपको इंटीरियर में आप दिखा दूँगा, देखो सबसे अच्छी बात है यहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, वॉशरूम आपको ऑन बोर्ड है ही नहीं, तो इनकेस अगर आप मोबाइल वगैरह कुछ ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, टोटल अगर आप देखोगे फर्स्ट क्लास की इसकी पैसेंजर कैपेसिटी हो गई 40। सबसे अच्छी बात यह है हर सीट पर चार्जिंग पॉइंट है, एटलीस्ट ये हो जाएगा। खाने पीने का फिलहाल कर लेते हैं, चलिए अभी तो आपको बताया ना आधा घंटा टाइम लगेगा, देखो पूरा कोच खाली, अब लोको आ जाए। मेरे को सबसे पहले आपको यहाँ पर लोको और दिखाना है, खाने पीने का आपको बिरयानी वगैरह वेज नॉन वेज यहाँ पर सब ऑप्शंस दिए गए हैं, पूरा आप देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक करते जाइएगा और ध्यान से शेयर ज़रूर कीजिएगा उनके संग जो ऊटी घूमने आ रहे हैं, या फिर जो ट्रेन लवर्स हैं जो ऊटी टॉय ट्रेन एंजॉय करना चाहते हैं। ये सच में सरप्राइजिंग है, मेरे को लगा था स्टीम लोको सिर्फ और सिर्फ आप दार्जिलिंग में देख सकते हो, बट ये सरप्राइजिंग है यहाँ पर। भाई अब समझ आया कि कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा क्यों है। स्टीम लोको की अगर राइड देखने को मिलेगी तो यहाँ कुछ अलग ही मज़ा आएगा भाई, क्या बात है। ये देखो यहाँ पर कपलिंग होते हुए सदर्न रेलवे का लोको, दिस इज नीलगिरी क्वीन।
स्टीम लोगों की एकदम फर्स्ट राइड, फर्स्ट क्लास राइड चल रही है। अब एक और स्टेशन रुके हैं, दिस इज हिल ग्रोव। जरा मैं आगे दिखा दूँ, आई गेस मे बी यहाँ पर ये लोग वाटर रिफिलिंग कर रहे हैं। जरा एक मिनट रुकेगा, सब चेक करते हुए, ब्रेक्स वगैरह, लुब्रिकेंट्स वगैरह। ये देखिए, मतलब ये सीरियसली सरप्राइजिंग है। मुझे ऐसा लगा था कि सिर्फ और सिर्फ दार्जिलिंग में स्टीम टॉय ट्रेन राइड होती है, बट ये चीज़ यहाँ पर नीलगिरी में, ऊटी में, दिस इज़ रियली सरप्राइजिंग। लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था, मेरे को नहीं पता था कि भाई स्टीम का यहाँ पर है। सोचिए, इसकी मेंटेनेंस करना और इस लोको को आज भी चलाना। स्टेशन आप देख लीजिएगा, हिल ग्रोव, देखो वाटर का पूरा, आप देख सकते हो पानी की टंकी, डायरेक्टली पानी इससे उसमें रिफिल किया जाता है। मतलब भाई, इसकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, बता दी 100 साल पुराना लोको आप कह लीजिए। देखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर बनता है, ठीक है ना। अब बीच में छोटे छोटे स्टेशन आएंगे, अब वो मैं सब स्किप करने वाला हूँ। अब मेरी आपसे सीधी मुलाकात होगी हमारी डेस्टिनेशन। सच में इन ट्रैक्स को मेंटेन करना, पूरा ऑल्टीट्यूड, और हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, डाउनफॉल, तो ब्रेक्स आप सोचिए कितने ज़बरदस्त चाहिए। ये हो गया स्टीम राइड, ऊटी में मैंने स्टीम राइड कर ली, बस मज़ा आ गया। फोटोग्राफी वगैरह तो खैर आप जितनी करना चाहो कर लीजिए। ये देख लीजिएगा, छोटा सा स्टेशन मैं आपको और दिखा दूँ। ये हो गया हिल ग्रोव स्टेशन का नाम। यहाँ पर 3 ही कोचेज हैं फिलहाल। यहाँ भी हल्का पीस का खाने का मिल रहा है, बट फिर कहूँगा प्लीज़ खाना पीना साथ में ज़रूर कैरी कीजिएगा। दिन में करंटली आपको बता दूँ, UAM से लेके नीचे मेट्रोपोलाइम यानी कि MTB फ़िलहाल सिर्फ 2 ही ट्रेन है, और बिकॉज समर है इसलिए, अदरवाइज दिन में आपको 1 ही ट्रेन मिलेगी। बुकिंग वगैरह ध्यान रखिएगा। शुरुआत की थी अराउंड 11:30 और बिल्कुल राइट टाइम हम पहुंच चुके हैं मेट्रोपोलाइम। कोड हो गया MTP। लगभग 46 किलोमीटर्स की जर्नी आप देख लीजिएगा। यहां पर आपको दिखा दूँ, वो देखो स्टीम लोको शेड आप यहां पर देख सकते हो, और इस तरफ आपको मिलेगा ये मीटर गेज आप कह लीजिए, और एक प्लेटफॉर्म भी क्रॉस नहीं करना, उस तरफ जाइए और आपको मिलेगा ब्रॉड गेज। ठीक है, अब यहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप देखिएगा नेक्स्ट व्लॉग। उम्मीद है आपको जर्नी पसंद आएगी, हमें एक्सपीरियंस भी नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। हम अभी फिलहाल तो हमको नहीं पता एक्सपीरियंस कैसा रहा। एक नंबर, मजा आया ना। गर्मी थोड़ी सी ज्यादा, मतलब थोड़ा वेदर का तो है यार। देखो वेदर का तो थोड़ा बहुत, अब आफ्टरनून में हमने ट्रैवल किया। यहाँ से मेट्रोपोलाइम से ऊटी ट्रेन जाती है 7:00 बजे, ठीक है ना। सिर्फ दिन में 1 ही ट्रेन है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी सब डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। कन्नूर तक पूरी ट्रेन लगभग फुल आई थी, और कन्नूर से यहाँ तक पूरी ट्रेन ही आप मानिए खाली आई है। ठीक है, हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए। दिस इज डोलेश, दिस इज सौम्या, साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। और फिर से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे स्टेशन पर साफ सफाई बनाए रखें। ठीक है, अब यहाँ पर आप वाइब देख लीजिएगा मेट्रोपोलाइम, अलग ही मज़ा है इसका जनाब, अलग ही मज़ा है। टाटा, टेक केयर।